कड़ाके की ठंड हो और उसमें एक ऐसी रेसिपी मिल जाए जो बने भी झटपट और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हो। तो चलिए आइए बनाते हैं कसौली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड बन समोसा। मैंने भी जब इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसका स्वाद इतना अल्टीमेट आया था, मुझे भी लगा कि मुझे इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अप्रिशिएट करता है और अच्छी और न्यू वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बन समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये बर्गर बन लिया है, ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसके साथ लिया है एक समोसा। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन चटनी, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये है इमली की चटनी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से अनियन के स्लाइसेस और इसमें डालूंगी कैबेज। कैबेज को मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। और अगर आपको समोसा घर पे नहीं बनाना है तो आप इसे मार्केट से लाके भी इस रेसिपी को बहुत झटपट बना सकते हैं। तो बन समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बर्गर बन को 2 पीसेस में कट कर लिया, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इमली की चटनी। ये आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप टोमेटो कैचअप जो आती है आपकी सॉस उसे भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मिंट चटनी, ग्रीन चटनी। आप यहाँ पे ये स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बन समोसे के अंदर। और अब मैं इसके ऊपर कुछ अनियन के स्लाइसेस ऐड करूंगी और उसके साथ इसके ऊपर ऐड करूंगी अच्छे से भर के कैबेज। आप चाहें तो कैबेज को स्किप कर सकते हैं इसके अंदर, आप यहाँ पे सिर्फ अनियन के साथ भी इसे बना सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी और ऐड करूंगी। और अब मैं इसके ऊपर समोसे को अच्छे से हाथ से प्रेस करके वो इसके ऊपर रख दूंगी। और इसमें कुछ मसाला ऐड करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो समोसा है उसके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी भी होते हैं समोसे, तो इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मीठी चटनी और ये हमारी जो हरी चटनी है ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि समोसे में भी इसी का ही टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो चलिए, ये तो हमारा बर्गर बन गया है, अब इसकी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं, इसे तवे पे सेक लेते हैं। तो तवे पे सेकने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी नॉनस्टिक तवे के ऊपर, और इसे बर्गर बन को रख के मैं दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। और ये प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, क्योंकि जो अंदर का समोसा है वो भी हल्का सा गर्म हो जाए तब तक आपको इसको सेकना है। और अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप में से बहुत से लोगों ने ये रेसिपी और पहले ट्राई करी भी होगी, और जिन्होंने नहीं करी है मैं उनसे बोलूँगी ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखने में जितनी इजी लग रही है ये रेसिपी, खाने में उतनी ही अल्टीमेट बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरी ये बन समोसे की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए, बातों ही बातों में दोनों साइड से हमारा बर्गर बन बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने वही मिंट चटनी और इमली की चटनी ली है, इसके साथ थोड़ा सा सैलेड लिया है, और ये आ गया हमारा बर्गर बन, बन समोसा। और इसे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बाहर से भी क्रिस्पी है और अंदर से जो आपका समोसा है उसकी क्रिस्पी लेयरिंग है, अंदर से भी क्रिस्पी और बाहर से भी क्रिस्पी। तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा, आप एक बार ट्राई करेंगे आप बार बार बना के इसे ज़रूर खाएंगे। और इसे बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अब मैं आपसे और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।